गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आकाश श्रीवास्तव, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम गोपाल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज. टू फाइंड रेगुलर अपडेट ऑफ योर इंग्लिश सब्जेक्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज क्लिक ऑन नोटिफिकेशन आइकन फॉर योर रेगुलर अपडेट. नाउ कम टू आवर चैप्टर. टुडे आई विल डिस्कस विथ यू the first chapter of English grammar, which is the parts of the sentences. Sentence के कौन कौन से part होते हैं, चलिए बच्चों हम start करते हैं. Parts of the sentence, sentence के अलग अलग part. अब आते हैं, अब देखिए इस पहली line को समझिए. Parts of the sentence, sentence एक आप sentence मतलब एक वाक्य ले लीजिए, उस वाक्य में अलग अलग भागों को जब आप देखोगे तो वो अलग अलग भाग मिलकर कैसे एक सेंटेंस को बनाते हैं. जैसे आप सेंटेंस ले लीजिए कि दीपक प्लेस फुटबॉल, दीपक फुटबॉल खेलता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि दीपक आपका सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे नाउन है, प्लेज आपका वर्ब है वो भी मेन वर्ब, और यहाँ पर अपना एक मेन रोल बना रहा है. उसके बाद फुटबॉल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन आल्सो है. ठीक है, अब आप ये बात जानिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं. अब देखिए, अब इन तीनों को जोड़कर दीपक प्लेस फुटबॉल बना हमारा सेंटेंस. अब सेंटेंस क्या होता है, जब आप आओगे दीपक प्लेस फुटबॉल, तो दीपक प्लेस फुटबॉल मतलब दीपक फुटबॉल खेलता है. आप इस बात को समझते ही यह बात कह सकते हो कि दीपक फुटबॉल खेलता है का मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट है. तो आप इसका मतलब ये कहोगे अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस और आइडिया. मतलब सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स को मिलाकर बनता है. वर्ड्स का मतलब वो वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे एस्पेक्ट को टच करता होगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जान रहे हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ मतलब कोई भाषा, कोई सेंटेंस को या फिर किसी चीज़ को बोलने पर आप जिन जिन तरह के चीज़ों का यूज कर सकते हैं वह पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितने टाइप का होता है, 8 टाइप का होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन. ठीक है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा अपने से भी और मैं आपको डिस्कस भी करूँगा फ्यूचर में. आइए आते हैं. तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलकर बनता है जो कि आपको कंप्लीट सेंस देता है. कंप्लीट सेंस का मतलब आपको पूरा आइडिया मिलता है कि इसका मतलब क्या है. सी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, मतलब वह सेब नहीं खा रही है, पूरा सेंटेंस आइडिया दे रहा है. अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. सेंटेंस का दो पार्ट कौन कौन सा होता है, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और एक पार्ट होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट का पार्ट मतलब वो पार्ट जहाँ जैसे दीपक लिखा हुआ है आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट. ठीक है, सी लिखा हुआ ये आपका हो गया सब्जेक्ट. यहाँ पे कम हियर में आपका यू होगा, आर यू अ स्टूडेंट इसमें यू होगा, ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट है. अब आते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप ये देखिए कि सब्जेक्ट होता कैसे है. तो यही बताने के लिए सेंटेंस में पहले पूरी की पूरी बात बताई गई है, फिर प्रेडिकेट के पार्ट को डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है प्रेडिकेट के पार्ट को. नॉर्मली प्रेडिकेट के पार्ट को तो हम थोड़े से में करके समझ लेते हैं कि प्रेडिकेट में आपका वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स होंगे, लेकिन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है वह एक एक ऐड करते हुए अलग अलग एस्पेक्ट को वो क्या होता जाता है, लेंदी होता जाता है. अब देखिए आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा. आपको ऐड करना है सबसे पहले नॉर्मली एक सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. तो जैसे लिखा गया है रमेश प्लेज, रमेश खेलता है. माधुरी डांसेज, माधुरी डांस करती है. दे लाफ, वे लाफ करते हैं. यू स्विम, तुम तैरते हो. अब देखिए नॉर्मली सेंटेंस था, इसमें रमेश और माधुरी आपका नाउन था और दे और यू आपका प्रोनाउन था. आपको हर सेंटेंस में ये छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में अलग अलग क्या करेगा, आपको यही समझना पड़ेगा. अब आते हैं हम अगले, उसमें क्या होता है क्वालिफायर. क्वालिफायर का नॉर्मली मतलब हम समझते हैं कि वो एडजेक्टिव है. क्या है, एडजेक्टिव नॉर्मली मतलब समझते हैं. ठीक है,
और हेडवर्ड का मतलब होता है जो सेंटेंस में अपना मेन रोल बनाता है। जैसे कि अब क्वालिफायर पहले आता है, हेडवर्ड बाद में आता है, आप इसको एक जगह लिख लीजिए, पहले क्वालिफायर फिर हेडवर्ड, ठीक है। तो जैसे लिखा गया कि द अर्थ इज अ लिविंग प्लेनेट, तो आपको सबसे पहले द और अर्थ को कैसे मिलाएंगे, पहले द लिखेंगे फिर अर्थ लिखेंगे, ठीक है। अ मैन वॉक्स, तो पहले अ लिखेंगे जो कि क्वालिफायर है, और फिर मैन लिखेंगे हेडवर्ड में। क्वालिफायर आपका माई हो गया और सन आपका हेडवर्ड हो गया, तो माई सन रीड्स। सम बॉयज, सम आपका क्वालिफायर हो गया और बॉयज हो गया हेडवर्ब, हेडवर्ड हो गया। आते हैं उसके बाद, अब आते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट। अब आपका क्वालिफायर हो गया, हेडवर्ड हो गया, अब क्वालिफायर हेडवर्ड के आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका आता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर अब क्वालिफायर एडजेक्टिव है, ठीक है। क्वालिफायर क्या है? एडजेक्टिव है, और इसके बाद हेडवर्ड आता है। तो डिटरमाइनर क्या हो गया? डिटरमाइनर वो भी वो डिटरमाइन करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे देखिए, डिटरमाइनर एन हो गया, एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो एन आपका डिटरमाइनर हो गया, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो गया, गर्ल आपका हेडवर्ड हो गया, तो बन गया एन इंटेलिजेंट गर्ल। हिज यंगर ब्रदर, अ टॉल मैन, दिस ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है। अब बेटा समझिए डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर वर्ड होता है जिसमें द, दिस या सम लगाकर आता है, और ये नाउन फ्रेज के पहले आता है, ठीक है। अब डिटरमाइनर के टाइप देखिए, मेन डिटरमाइनर्स, प्री डिटरमाइनर्स, दो तरीके के होते हैं। अब मेन डिटरमाइनर्स का मतलब क्या होता है? मेन डिटरमाइनर्स वो होते हैं कि जो नाउन फ्रेज के पहले आते हैं, और ये सेंटेंस में मेनली अपना मेन रोल डिटरमाइन करते हैं। जैसे आर्टिकल्स ए एंड द, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब चीज़ों को बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ रखी है, वहाँ रखी है, दिस दैट दिस दो सच। प्रोग्रेसिव डिटरमाइनर्स का मतलब हो गया, पजेसिव डिटरमाइनर का मतलब हो गया, पजेसिव प्रोनाउन याद आया, पजेसिव प्रोनाउन आपको बताया गया था। पजेसिव प्रोनाउन होता है माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। प्री डिटरमाइनर, पोस्ट डिटरमाइनर। अब आप आइए, प्री डिटरमाइनर जो होता है ये मेन डिटरमाइनर होता है, पोस्ट डिटरमाइनर मेन डिटरमाइनर के बाद आता है। प्री डिटरमाइनर मतलब मेन डिटरमाइनर के पहले आता है, और पोस्ट डिटरमाइनर मेन मेन डिटरमाइनर के बाद आता है। जैसे आप ले लीजिए क्वालिफायर, क्वालिफायर आपका डिटरमाइनर का एक पार्ट है, तो इसमें आल हो गया, एवरी हो गया, मोस्ट हो गया, सच हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, एनी हो गया, नो हो गया, सारे एडजेक्टिव क्वालिफायर्स होते हैं। आगे आते हैं नंबर में। नंबर दो तरीके का होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब हो गया कि जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं, और जो ऑर्डिनल का मतलब हो गया डबल, ट्वाइस, थ्राइस हो गया। इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर हो गया आपका, जितने भी इंट्रोगेटिव आते हैं, व्हाट, हुज, विच, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, ओके बेटा। अब हम आते हैं आगे, एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो एन इंटेलिजेंट गर्ल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। एन आपका आप लग गया कैसा, एन आपका हो गया आर्टिकल, और आपका क्वालिफायर हो गया एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट गर्ल। आप ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, डी क्यू एच, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड। हिज यंगर ब्रदर, हिज आपका डिटरमाइनर हो गया, जो आपकी पजेसिव डिटरमाइनर है, और क्वालिफायर लग गया, हेडवर्ब हो गया, ठीक है, हेडवर्ब। अब आप आते हैं हम आगे, इसमें देखिए डिटरमाइनर में, अब डिटरमाइनर क्वालिफायर हेडवर्ड के बाद, हेडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज आया। तो आप जब कहोगे डिटरमाइनर द यंग गर्ल, तो द यंग गर्ल तो ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब एडजेक्टिव को जोड़कर जो फ्रेज बनाई गई हो, तो बनाया गया इन ब्लू साड़ी, इसमें ब्लू साड़ी में इज अ टीचर क्या है, टीचर है, तो द यंग गर्ल इन द ब्लू साड़ी इज अ टीचर, जो यंग लड़की है जो ब्लू साड़ी में है वो क्या है, टीचर है। द
दोज पिंक रोजेज ऑन द प्लांट हैव विदर्ड, जो पिंक रोजेज प्लांट में है वो क्या है, पंखुड़ियों वाले हैं। ऑन द प्लांट ये आपका क्या एडजेक्टिवल फ्रेज है। दैट टाल बॉय इन द पार्क इज माई ब्रदर, तो इन द पार्क आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। विच ओल्ड लेडी, तो अब देखिए इन द पार्टी ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज लगाया गया, तो विच ओल्ड लेडी इन द पार्टी वॉज अ नर्स। हम आते हैं इसके बाद मेन वर्ड में। मेन वर्ड कैसे आप पहचानेंगे कि मेन वर्ड है, अब ध्यान दीजिएगा कि जिरंड जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, इन्फिनिटिव जो टू प्लस वर्ब होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में होता है। इनकी व्याख्या करने के लिए शब्द प्रयोग होते हैं जिनको कहते हैं मेन वर्ड, ठीक है। तो ये जो जिरंड तथा इन्फिनिटिव जो लगाए गए हैं इनको क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट या फिर मॉडिफायर बोला गया। तो जैसे बोला गया स्विमिंग इन द कोल्ड वाटर इज नॉट गुड, तो जो मेन वर्ड है ये ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर के पहले आता है, तो लगाया गया स्विमिंग इन द कोल्ड वाटर इज नॉट गुड। बाथिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो बाथिंग हो गया आपका मेन वर्ड, इन द मॉर्निंग हो गया ऑब्जेक्ट या फिर मॉडिफायर, और इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। टू ओबे, अब देखिए जिरंड था तो आईएनजी लगा के कंप्लीट किया, टू ओबे लिखा है मतलब ये इन्फिनिटिव है, तो टू ओबे ट्रैफिक रूल्स इज आवर ड्यूटी, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हुई थी। इट का मतलब नहीं वह बारिश कल है, कल थी, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे मतलब कल बारिश हुई थी। इट इज अ सिन टू किल एनिमल्स मतलब जानवरों को मारना पाप है। देयर इज अ डॉक्टर इन द रूम मतलब कमरे में डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में लोमड़ी रहती थी। अब आते हैं हम सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट के पार्ट में। अब बेटा देखिए ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, जब आपको ये समझना होगा कैसे कैसे लगाना है तो सब्जेक्ट में एक एक करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करते हुए, ठीक है। अब आते हैं हम प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। अब देखिए सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट अकेला तो किसी चीज़ को बोलेगा नहीं, कि जैसे बोला मैंने स्विमिंग इन द कोल्ड वाटर, स्विमिंग इन द कोल्ड वाटर का क्या सेंस निकल रहा है, ठंडे पानी में तैरना, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है। तो इज नॉट गुड आप लगाओगे तभी आप परफेक्ट मीन बता पाओगे। तो प्रेडिकेट का मतलब ही यही है कि सेंटेंस बिना सब्जेक्ट बिना प्रेडिकेट के नहीं हो सकता, और प्रेडिकेट बिना सब्जेक्ट के हो सकते हैं, कभी कभी होते हैं, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस के होते हैं। अब आइए हम बताते हैं आपको प्रेडिकेट में अकेला वर्ब भी हो सकता है, वर्ब के साथ प्रयोग होने वाले अन्य शब्द जैसे वर्ब के ऑब्जेक्ट तथा कम्प्लीमेंट्स भी प्रेडिकेट में होते हैं। अब जैसे लिखा है सब्जेक्ट रमन, तो रमन के साथ आप क्या लगा सकते हो, रमन लाफ्स, रमन इज लाफिंग, रमन लाफ्ड, सुमन डांस्ड, गौरव टीचर्स, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला के बना। अब देखिए दूसरा पार्ट आता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के तब प्रेडिकेट बनाना। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो दे प्ले चेस, दे हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब हो गया प्ले, और हो गया ऑब्जेक्ट चेस, ठीक है। दे रीड्स अ नॉवेल, तो दे हो गया आपका सब्जेक्ट, रीड्स हो गया वर्ब, और अ नॉवेल हो गया ऑब्जेक्ट। मदर लव्स मी, तो मदर हो गया सब्जेक्ट, लव्स हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया मी। आई बॉट अ पेन, तो आई हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया बॉट, और ऑब्जेक्ट हो गया अ पेन, तो आई बॉट अ पेन। अब देखिए अब आगे आते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में वर्ब तो आपका हो गया, ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप ये बात समझिए, इनडायरेक्ट का मतलब होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है।
सी गेव मी अ बुक, तो सबसे पहले आप क्या रखोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखोगे फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखोगे, पहले लिविंग थिंग्स रखी जाती है फिर नॉन लिविंग थिंग्स। सी गेव मी अ बुक, ठीक है, लिख लीजिए कहीं पे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो सी गेव, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होता है। सी गेव मी अ बुक, द पीपुल गेव हिम अ शेल्टर, ठीक है। तो ये हो गया, मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो मदर हो गया, टोल्ड हो गया, मी अ स्टोरी, ठीक है। मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं आगे, अब देखिए आपको बताया जाएगा कि अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे, कब जो है डायरेक्ट को आप पहले कर सकते हो, इनडायरेक्ट को बाद में कर सकते हो। जब भी कभी डायरेक्ट को आप पहले करना चाहो, इनडायरेक्ट को बाद में, तो टू और फार लगा के आप इनडायरेक्ट को बाद में कर सकते हो। तो जैसे लिखा सी गेव अ बुक टू मी, तो आपने टू मी लगा दिया ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बाद में हो जाएगा इससे। तो द पीपुल गेव शेल्टर टू हिम, माई अंकल बॉट अ टॉय फॉर हिम। अब देखिए फॉर हिम क्यों लगाया, ये सेंटेंस के हिसाब से आप अच्छा बनाने के लिए सेंटेंस को आप टू या फॉर लगा सकते हो। टू या फॉर दोनों में से कोई भी बराबर से यूज किए जाते हैं। तो माई अंकल बॉट अ टॉय, टू हिम लगाएंगे तो थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसलिए फॉर हिम लगाया। इनडायरेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लिविंग होते हैं। अब कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिविंग हो जाते हैं, जैसे द फादर गेव मी अ गोट, याद रखिएगा गेव मी अ गोट, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन अ गोट भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हुए भी क्या है, कभी कभी लिविंग हो जाता है। अब आते हैं वर्ब के साथ जीरंड कैसे लगा हुआ है। जीरंड का मतलब क्या हुआ कि मोहन लव्स वॉचिंग टीवी, मोहन को टीवी देखना पसंद है। तो जीरंड क्या होता है, जीरंड मतलब आईएनजी लगा के जो वर्ब बनता है उसको जीरंड कहते हैं। तो मोहन लव्स वॉचिंग टीवी, मोहन को टीवी देखना अच्छा लगता है, तो मोहन लव्स के बाद जीरंड वॉचिंग टीवी, ठीक। सी लाइक्स स्विमिंग, उसको स्विमिंग पसंद है, मतलब वह स्विमिंग पसंद करती है, तो स्विमिंग लगाए तो जीरंड हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं इन्फिनिटिव, द बॉय लव्स टू प्ले, लड़के को खेलना पसंद है, आपका इन्फिनिटिव टू लगा के वर्ब लगाया तो आपने इन्फिनिटिव बना दिया। तो सम चिल्ड्रन लाइक टू स्विम, सी वांटेड टू सिंग, उसको गाना पसंद, मतलब वह गाना चाहती है। आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, अब जीरंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट कैसे लगाते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, ये नाउन भी हो सकते हैं जिस, या फिर नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं सब को जोड़कर जो हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और कभी कभी तो कॉम्प्लीमेंट आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना सिर्फ अपने यूज से ही कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे देखिए द टीचर इज मॉनिटर, नॉर्मल टीचर क्या है, पूरे स्टाफ का मॉनिटर है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को बदलना चाहें तो कैसे कहेंगे, द टीचर सब्जेक्टेड हिम मॉनिटर, तो टीचर ने किसी बच्चे को क्या कर दिया, मॉनिटर बना दिया। तो यहाँ पर जो मॉनिटर लिखा गया वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और वो भी नाउन का, ठीक है। द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स इलेक्टेड नमन द प्रेसिडेंट, तो द प्रेसिडेंट क्या है, नाउन फ्रेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आई। द मैनेजर अपॉइंटेड हर एन अकाउंटेंट, तो एन अकाउंटेंट क्या हो गया, नाउन फ्रेज है या फिर नाउन है, और ये क्या बन गया आपका, पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन गया। द मैनेजर अपॉइंटेड हर, मैनेजर ने उसको नियुक्त किया कैस, किस रूप, किसके फॉर्म में, एक अकाउंटेंट के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे हिम, नमन, हर, रवि, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है,
आपका वर्ब हो गया सिलेक्टेड, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, मेड, और आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया मॉनिटर द प्रेसिडेंट एन अकाउंट और कैप्टन। ठीक है, ये सेंटेंस में आपको छाटना आना चाहिए। अब आते हैं आगे टेबल नंबर 8 पे, यू मेड मी एंग्री। अब एंग्री क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, तो आप एडजेक्टिव में कैसे लगाओगे, यू मेड मी एंग्री, द टीचर थॉट नेहा इंटेलिजेंट, द टीचर ने सोचा कि नेहा क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, तो एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट है। टू बी ऑनेस्ट एडवर्बियल फ्रेज हो गया, टू बी डिसऑनेस्ट एडवर्बियल फ्रेज हो गया, ठीक है, ये आपका बन गया कॉम्प्लीमेंट जो एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज के थ्रू बनता है। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट से समझ में आता है ये पास्ट की फॉर्म है और पार्टिसिपल की तरफ से यूज की जाएगी, मतलब सेंटेंस में जोड़ी जाएगी। तो पास्ट मतलब आप समझ में आता है फ्रेड का, तो डिलाइटेड हो गया, वरीड हो गया, तो माय मदर मेड हिम अफ्रेड, मेरी मदर ने उसको डरा दिया, तो पास्ट पार्टिसिपल बन गया, ठीक है। द न्यूज़ मेड रवि डिलाइटेड, रवि ने क्या को इस न्यूज़ ने क्या कर दिया, खुश कर दिया, डिलाइटेड, ठीक है, तो डिलाइटेड क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। वरीड का मतलब क्या है कि वरीड पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक। हम आगे आते हैं जो है कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा जो है प्रेडिकेट में यूज होता है सीधे सीधे, मतलब कि आप कह दीजिए वाक्य को पूर्ण करने के लिए कॉम्प्लीमेंट के सीधे लगा दिया आपने वर्ब के बाद और वो काम कंप्लीट कर दिया। जैसे लिखा सी इज अ नर्स, तो वह क्या है, एक नर्स है। मोहन वाज अ टीचर, मोहन एक टीचर है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। दे आर थीव्स, वो क्या है, चोर हैं, ठीक है। अब अगर कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव डायरेक्ट लगा हुआ वर्ब के बाद, तो द गर्ल इज ब्यूटिफुल, वी आर हैप्पी, दे आर क्लेवर। अब देखिए जो ब्यूटीफुल, हैप्पी, क्लेवर, इंटेलिजेंट लगा, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये जो एडजेक्टिव लगा यही कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का एक तरीके से आप मतलब समझिए कि कॉम्प्लीमेंट आपको मीन बताता है कि वो सब्जेक्ट किस तरीके का है, ठीक है। ही वॉज देयर, अब एडवर्ब है तो देयर लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि एडवर्ब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एडवर्ब की एक फॉर्म में देयर भी होता है। रवि वाज हियर, रवि यहाँ है। द पेन इज ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गई या फिर एडवर्ब हो गया, द माय पेन इज ऑन द टेबल। अब याद रखिए आपको जब भी कभी बी वाले फॉर्म मिले तो मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, जिनके साथ ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की फॉर्म में जो जोड़े जाते हैं वो लिखे जाते हैं, अदरवाइज आप ऐसे जोड़ेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमेशा अब ये भी ध्यान दीजिए कि वर्ब बी इज, एम, आर, वाज, वर के पश्चात वाक्य को पूरा करने के लिए सदैव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, वाक्य को पूरा करने के लिए सदैव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, तथा ट्रांजिटिव वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब जब भी लगता है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज इनफ फॉर यू फॉर दिस चैप्टर, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आई होप आई विल गिव यू द कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग यू गेट इन। इफ एनी पार्ट ऑफ दिस You cannot understand, you will revise it and come to the school for more.